आज मैं आप लोगों के साथ शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है और अगर आप इसे बनाएंगे ना तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये सब्जी शिमला मिर्च और आलू से बनाई है और अगर आप लोगों को मेरी लिए बनाई हुई शिमला मिर्च की सब्जी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ बेलाइकन बटन ज़रूर दबाया करें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहे तो सब्जी बनाने के लिए हमने आलू उबाल लिया था आलू उबाल के हमने इसे छील लिया है अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करने जा रहे हैं जैसे हरी मिर्च है नमक है और ये थोड़ा सा चाट मसाला है थोड़ी सी हल्दी है थोड़ा सा इसमें गरम मसाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर है थोड़ा सा अमचूर है थोड़ा सा काला नमक आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं खास करके इसमें पनीर अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कुछ लोग इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं लेकिन मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों कुछ लोगों को पनीर पसंद नहीं होता कुछ लोगों को लहसुन पसंद नहीं होता है तो मैं ये ज़्यादातर रेसिपीज में आपको लहसुन नहीं मिलेगा तो आप लोग विदाउट गार्लिक अगर कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो आराम से इसे बना सकते हैं तो इसको मैंने ये तैयार कर लिया इसका भरावन अब देखिए सिर्फ एक शिमला मिर्च से मैं पूरे घर भर के लिए पूरी सब्ज़ी तैयार कर रूँ यानी पूरे चार लोगों के लिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी ये एक ही शिमला मिर्च था जिसको हमने गोल गोल में काट लिया था और इसके जो बीच का पार्ट था उसको हमने निकाल लिया अब इसमें जो ये आलू है जो हमने भरावन तैयार किया था आलू का उसमें हम उसको हम इसमें इस तरह से डाल देंगे यानी इसकी स्टफ़िंग पूरी तरह से चारों तरफ से भर जानी चाहिए आप इसमें पनीर ऐड करें तो इसमें ब्रेड जरूर ऐड करें या तो कॉर्नफ्लोर ऐड करें नहीं तो वो बाहर निकल आता है ये जो आलू हमने ऐड किया है ये जब आप ऐड करें तो आपको कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करने की आवश्यकता नहीं है तो ये देखिए हमने इसको भर लिया है बहुत ही कम मसालों में हम इसको रेडी कर रहे हैं बहुत ही कम आप चाहें तो और अधिक मसाले बना इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार है बट मैं जो बता रही हूँ ये बहुत ही बेसिक है जिसके पास कोई भी सामग्री नहीं बहुत कम से कम सामग्रियाँ हैं वो लोग भी इसको आराम से बना सकते हैं मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था चार टेबल स्पून तेल अब उसमें मैंने ये शिमला मिर्च रख दिया है एक तरफ से अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो दूसरी तरफ मैं इसे पलट दूँगी उससे पहले मैं इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर ले रही हूँ देखिए ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने बहुत सारी सामग्रियाँ नहीं ली हैं थोड़ा सा जो शिमला मिर्च के बीच का पार्ट था वो ले लिया है थोड़ा सा जीरा ले लिया है ये लौंग इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च है मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं तीन प्याज ले लिया दो टमाटर है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है एक ये ब्रेड है और थोड़े से बाद मूंगफली है ठीक है आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट जो है उस, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है काजू के पेस्ट का पर इसमें मैं काजू नहीं ऐड करी मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ जिनके पास बहुत ही कम सामग्री है फिर भी अगर वो बनाना चाहें तो इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं जब भी आपके यहाँ मेहमान आए कोई भी आए तो आप आराम से इस सब्जी को बना सकते हैं और वो लोग वाकई बहुत तारीफ़ करेंगे बहुत ही कम सामग्री में बन के रेडी हो जाएगा मैं आज आप लोग को दिखा रही हूँ आप खुद समझेंगे कि कितने कम सामग्री में बन के तैयार हो जाएगा और मैंने ये मसाला पीस के रख लिया था अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आप केयरफुली जो ये है जो शिमला मिर्च है इसको आप केयरफुली इस तरह से पलट लीजिए ये देखिए ये पलट गया है अब इसे दूसरी तरफ से भी जैसे ये इस तरफ से पका है उसी तरह से दूसरी तरफ से, तरफ से पकाना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप और अधिक पका पसंद करते हैं तो आप उतना अधिक बना सकते हैं जैसे हम लोगों को थोड़ा अच्छे से पका हुआ पसंद है तो हम लोग इस तरह से अच्छे से इस तरह से पका लेते हैं इसको अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से हम इसको सारे पे, सारे जितने हमारे चारों हैं इन चारों को हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे ये देखिए हमने प्लेट में खाली कर लिया है जितना भी उसमें जो भी पार्ट उसका यानी कि टूटे फूटे जो भी पार्ट थे मैंने सब निकाल लिया अब कढ़ाई में इसी कढ़ाई में हम दो से तीन टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा तेल कर सकते हैं आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं चाहे तो तेल की जगह इसमें मैंने तेल एड किया है इसमें हींग और जीरा मैं डाल रही हूँ देखिए इसमें बहुत ज्यादा तेज मसाले नहीं पड़ते हैं अगर आप ग्रेवी में ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा आप खोआ ऐड कर सकते हैं यानी मावा ग्रेवी का एकदम बिल्कुल अमेजिंग एकदम बिल्कुल शाही पनीर वाला टेस्ट शाही पनीर से भी टेस्ट होता है पनीर से बहुत कम है इस सब्जी के टेस्ट के आगे सीएसली बता रही हूँ तो अब भाई हमारा जिया चटक गया था हमने मसाले ऐड कर लिए हैं जो हमने पीसे हुए मसाले यानी ग्रेवी वाले मसाले रख लिए थे अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं तो उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ हल्दी ऐड कर रही हूँ ये मैं ऐड कर दे रही हूँ पनीर मसाला मैं अक्सर करके जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें पनीर मसाला ऐड कर देती हूँ ये मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है आप ये इन सब की क्वांटिटी अधिक ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं पर कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह ऐड करने से इसका कलर रेड हो जाता है तो ये जो ये वाली सब्ज़ी जो होती है ना ये रेड रेड कलर में उतनी अच्छी नहीं लगती है तो ये मैंने थोड़ा सा क्रीम और दूध आपस में मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपके पास मैंने पहले ही बताया कि खोआ हो तो ज़रूर ऐड करें अगर खोआ नहीं है तो काजू का जो पेस्ट होता है वो ज़रूर है इसमें ऐड करें इसका डुकस उसका टेस्ट इसमें अमेजिंग आता है अमेजिंग से बता रहे हैं तो अब इसको भाई तब तक भूनना है जब तक कि ये हमारा मसाला कढ़ाई में छोड़ने लगे तो देखिए भाई ये मसाला हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है ये देखिए ये देखिए अच्छे से कढ़ाई छोड़ रहा है यानी कि मसाला हमारा लगभग पूरी तरह से रेडी हो चुका है अब इस मसाले में हम पानी ऐड कर रहे हैं अपने स्वादा अनुसार आप कम ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी बहुत गाढ़ी चाहिए तो आप कम पानी ऐड करिए अगर आपको ग्रेवी थोड़ थोड़ी सी वो तरी वाली चाहिए तो आप इसको ज़्यादा पानी इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं बट इसमें ब्रेड पड़ा हुआ है इसलिए पानी को बहुत जल्दी सोख लेगा और बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा जब भी आपको कोई भी ग्रेवी अगर आपको गाढ़ी करनी हो तो आप उसमें ब्रेड अगर डाल देंगे तो वो ग्रेवी जो है बहुत जल्दी एकदम बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है इसमें मैंने थोड़ी सी खड़ी हा, जो हरी मिर्च होती है ना उसको मैंने काट के डाल दिया था ये देखिए रेडी हो गया है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है गजब मैं सचली बता रही हूँ जितने लोगों ने खाई ये नई सब्जी सभी लोगों ने इसकी तारीफ़ की है आप लोग भी अपने घर में एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाइएगा मेरी गारंटी है आप लोग इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे और आप लोग जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप लोग मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है मैंने पहले ही बोल दिया कि आप कम ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं उसके अलावा मावा जगह ऐड कर देंगे तो वाह यार क्या टेस्ट आएगा इसका मुझे मुझे वो वाला टेस्ट तो बिल्कुल भूलता नहीं जिस वाले मैंने मावा ऐड किया था और अगर आप लोगों को मेरी ये बनाई हुई ये शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी यानी स्टफ शिमला मिर्च पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ आइकन बटन ज़रूर दबाया करें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहें और जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें घर का भोजन करें घर में ही बनाएँ घर से घर का ही खाएँ मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से बाकी आप लोगों की मर्ज़ी क्योंकि इस टाइम बारिश का सीज़न चल रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है जो भी हम बाहर की चीज़ें खाते हो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है तो हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है हमारे परिवार के लिए हमारे लिए भी सबके लिए थैंक यू सो मच इन्जॉय योर लाइफ